मुंगेली जिले के लोरमी में एक बार फिर गड़बड़ी उजागर हुई है, जहां राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत संचालित केंद्र गोंड खम्ही के तत्कालीन समन्वयक नोहर कोहली और बीआरसी अशोक यादव की बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई। इन पर फर्जी तरीके से 51,000 रुपए पंजाब नेशनल बैंक से निकालने का आरोप है और मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्कूल के शिक्षक बैंक गए और स्टेटमेंट निकलवाया। बहरहाल इस पूरे मामले में संकुल प्रभारी बाल मुकुंद वैष्णव का कहना है कि गलत तरीके से राशि निकाली गई, जिसकी शिकायत बीईओ और डीईओ कार्यालय में करते हुए जांच के बाद कार्यवाही करने की मांग की गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में बीआरसी अशोक यादव का कहना है कि जिला अधिकारियों के द्वारा ये राशि निकालने के मौखिक आदेश दिए गए थे, जिसके बाद ही बैंक से ये राशि निकाली गई। मामले को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र से बात की गई तो उनका कहना है कि इसकी जानकारी लेकर जांच के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आसानी से अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल विभाग में किस तरह से सरकारी कामकाज किया जाता है। ऐसे में बच्चों को दिए जाने वाले लाभ का क्या होता होगा, ये बड़ा सवाल है। राशि आई थी प्रशिक्षण के लिए, उसमें संकुल प्रभारी के द्वारा हरण नहीं करूंगा करके बोला गया, तो उस चीज के मैं जानकारी ऊपर दिया अपने बीआरसी और डीएमसी को, तो उन्होंने बोला कि आप बीआरसी के साथ ज्वाइंट खाता करवा लीजिए और खाता करवा के दोनों उसमें हरण कर सकते हैं और हरण करके खर्च कीजिए। संकुल केंद्र की जो पासबुक है खाते में 53,680 थी और उसे संकुल समन्वयक के द्वारा बिना संकुल प्रभारी के हस्ताक्षर का निकाल लिया गया है, जबकि हमेशा संकुल प्रभारी और संकुल समन्वयक का संयुक्त खाता होने के कारण कभी भी राशि निकालने के लिए दोनों का हस्ताक्षर अनिवार्य होता रहा है। प्रिंसिपल नहीं, हेडमास्टर उसमें कंपाइंड रहता है संकुल प्रभारी, तो अभी अभी उन्होंने फोन पे मेरे को बताया है, तो मैंने उनको बोला है कि आप एक आवेदन बनाकर दे दो प्लस वो जो पासबुक की फोटोकॉपी और जांच करवाते हैं, अपने ये भी लोगों से जांच करवाते हैं, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। मुख्य काम संकुल समन्वयक का ही होता है और संकुल प्रभारी एक व्यवस्था के नाम से उसको रखा जाता है। ठीक, वहाँ पे जो भी राशि आती है संकुल की संकुल केंद्र पे आती है। जहाँ तक समन्वय शैक्षिक समन्वयक के द्वारा यह बताया गया कि उनको आह्वान करने में कठिनाई हो रही, राशि और संकुल प्रभारी द्वारा सिग्नेचर हस्ताक्षर उनके द्वारा नहीं किया जा रहा, संयुक्त हस्ताक्षर में परिवर्तन के लिए आवेदन दिया जिसको उसको खाते को ज्वाइन किया गया। संकुल प्रभारी बाल मुकुंद वैष्णव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकुंद साहब, स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए। क्या कुछ अनियमितताएं हैं, कैसे मौखिक आदेश पर एक सरकारी खाते से रकम आहरित कर ली जाती है? बाल मुकुंद जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी सर। ये मौखिक आदेश पर कैसे राशि का आहरण कर लिया जाता है, क्या पूरा मामला है आपसे ही समझ लेते हैं। जी हाँ, क्या है मेरे यहाँ गोरखामी संकुल में श्री कमर सिंह ठाकुर समन्वयक थे, ये जून 2018 को समन्वयक थे ये, उनका तबियत खराब हो जाने के बाद श्री दयाराम साहू अस्थायी तौर पर समन्वयक बने, 2 माह काम किए दयाराम साहू जी, इसके बाद नोहर कोहली ये समन्वयक बन गए। नहीं तो ये वैष्णव जी, क्या ये मतलब पॉसिबल है कि मौखिक आदेश पर आप सरकार जिस तरह से जो खाता है उससे आप सिर्फ मौखिक आदेश पर आप राशि आहरित कर ले और बैंक से विड्रॉल भी हो गई, तो किस मद में इसको खर्च किया गया था? हाँ मैडम, क्या है मैं संकुल प्रभारी हूँ और नोहर कोहली जो है समन्वयक है जी। नहीं तो आपको वैष्णव जी, आपने क्योंकि आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, तो क्या आप लोगों को जानकारी मिल पाई कि किस मद में इस राशि का खर्च मतलब खर्च किया गया था इस राशि को? नहीं नहीं मिला है। ये क्या है, ये फरवरी 2019 में समन्वयक मेरे पास आए थे और बोले कि वो बिडार फॉर्म भर के लाए थे 25,000 का, उसमें बोले कि सर आप सिग्नेचर कर दीजिए इसमें, तो मैं कहा कि खाते में कितने पैसे हैं
उन्होंने कहा 25,000 है, तो मैं बोला उनको कि 25,000 पूरा मत निकालो, जितनी हो सकता है उतना निकाल लो। तो बोले नहीं, पूरा निकालना है मुझे। और इसके पहले दो समन्वयक लोग और काम कर चुके थे, उनका मानदेय जमा था पासबुक में, वो लोग नहीं निकाले थे। तो मैंने कहा कि दोनों समन्वयक को भी बुला लो और आप लोग अपना डीए और मानदेय जितना बनता है उतना बनाकर सूची दो, फिर हम भुगतान करेंगे। हाँ, इसके बाद आज ये शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों का प्रशिक्षण का पैसा आया था, प्रति शिक्षक 600 की दर से भुगतान होना था, तो ये 51,000 रुपए खाते में जमा था, उसे बिना मुझे बताए और बिना मेरे हस्ताक्षर के समन्वय के द्वारा निकाल लिया गया है। यह जानकारी मुझे अभी अगस्त में मिला है मैडम, जब मैं गया था बैंक और वहाँ स्टेटमेंट निकलवाया ना, तो पता चला ये राशि जो है 51,000 का, अब बाद में बताया कोई 51,000 से पूरा वो 76,000 हो गया है, वो दो किस्त में निकाला है 76,000 वो। अच्छा, अब ये 76,000 का गड़बड़ झाला कर दिया गया है यहाँ पर। हाँ, 76,000 का है, एक है 26 फरवरी 2019 का है, ठीक ठीक, और एक है 28 फरवरी 2019। जी, आप बने रहिए वैष्णव जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं संदीप ठाकुर, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। संदीप, 76,000 का गड़बड़ झाला है, क्या कर रहे हैं जिम्मेदार? जी बता दो, जिम्मेदार अधिकारियों से लगातार शिकायत की जाती है, लेकिन जो शिकायतकर्ता संकुल प्रभारी बाल मुकुल वैष्णव है, उन्हें केवल अधिकारी कार्यालय के चक्कर कटवा रहे हैं। अभी तक कार्रवाई तो दूर जांच भी नहीं की गई है। पूरा मामला लोरमी के संकुल गोरखामी का सामने है, जहां पर मोहर कोहली और डीआरसी अशोक यादव के द्वारा सांठगांठ करते हुए 76,000 रुपए की राशि को डकार ली गई है। इस पूरे मामले की शिकायत 15 दिनों पहले संकुल प्रभारी बाल मुकुंद वैष्णव द्वारा लोरमी के बीओ कार्यालय में की गई है, लेकिन आज तक कार्यवाही तो जांच नहीं की गई है। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी भरद्वाज जी जुड़ गए। भरद्वाज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम। भरद्वाज जी, 76,000 का गड़बड़ झाला कर दिया गया है, कई मरतबा शिकायत हो चुकी है, क्या एक्शन लिया गया आप लोग की तरफ से? अशोक यादव जो बिहारी है उनके विरुद्ध में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आया है, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है जी। मैं देखता हूँ इस केस को और जांच करवाऊंगा। ठीक है सर, बने रहिए। बाल मुकुंद वैष्णव है जिनके जरिए आप सुनिए सर। सारी मैडम बैठक में हूँ, जेडी साहब बैठक में रहे। ठीक है सर, वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों से जुड़ा हुआ ये जो टैक्स पेयर है, उनकी टैक्स, जो हम सब जो टैक्स पेयर है, जो हमारी गाड़ी कमाइयों से जो टैक्स जाता है, हमारी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई का ये पैसा है जो जिसकी बंदरबांट लगाई जा रही है। आपका सिर्फ इतना कह देना सर, इट्स नॉट सफिशिएंट सर, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू सर, प्लीज आप मुझे बताइए कि कब तक एक्शन लिया जाएगा सर। आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग यू सर, प्लीज। मैडम, हम अभी शिकायत हमारे पास आई नहीं है और वैष्णव जी जुड़े हुए हैं, जल्दी से वो आपको शिकायत के बारे में अवगत करा देते हैं, उसके बाद आप अपना मीटिंग कंटिन्यू कर लीजिएगा। वैष्णव जी जल्दी से बताइए यहाँ पे भरद्वाज जी को कि क्या कुछ अनियमितताएं हैं। ये संकुल समन्वयक नोहर कोहली के द्वारा बिना, मैं संकुल प्रभारी हूँ, बिना मेरे हस्ताक्षर के, बिना मेरे जानकारी के, 26 फरवरी और 28 फरवरी को 46,900 रुपए और 30,000 रुपए, इस प्रकार दो किस्त में 76,000 रुपए निकाल लिया गया है। जी भरद्वाज जी, जल्दी से। जी हाँ, इसकी जानकारी मुझे बाद में पता चला ही अगस्त में, जब मैं स्टेट में निकलवाया हूँ। ठीक है वैष्णव जी, भरद्वाज जी से जवाब ले लेते। भरद्वाज जी, अब तो आपके पास वर्बली एक और शिकायत आ गई, अब बताइए। भरद्वाज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो भरद्वाज जी जल्दबाजी में थे तो उन्होंने फोन काट दिया, और दोबारा हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया वैष्णव जी हमारे साथ बातचीत के लिए। संदीप, आपने सुना कि यहाँ पे भरद्वाज जी कह रहे थे कि अब शिकायत मिली है हमारे माध्यम से, अब कार्रवाई की जाएगी, जांच करवाई जाएगी।
द्वारा जांच करने आदेश भी कर दिए गए, लेकिन अभी तक जांच नहीं की गई है और लगातार इस बात की सूचना मेरे द्वारा भी अधिकारियों को दी गई है, लेकिन इस तरीके से केवल जांच का आश्वासन देना उचित नहीं है। और फिलहाल इस पूरे फर्जीवाड़े के मामले में लिपापोती करने की प्रक्रिया विभागीय शुरू भी कर दी गई है, क्योंकि लगातार शिकायतकर्ता को अधिकारी अपने दफ्तर के चक्कर कटवा रहे हैं। वो यही वो सरकारी ढर्रा है जिससे सुधरने का नाम नहीं लिया जाता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।